जी इस वक्त मौजूद है थाना सियालकोट का सिटी का इलाका थाना रंगपुरा का इलाका मोहम्मदपुरा में, जहां पर 4 माह कबल हाजी जवेद को नामजद मसल्ला मुलजमान खुरम शबाज और फयाज वगैरह ने 18 फायर करके मौके पर ही हलाक कर दिया। और बात करते हैं हाजी जवेद की बेटी से कि आपका इन लोगों के साथ क्या इख्तलाफात थे। जी इख्तलाफात तो कुछ भी नहीं थे, बस पापा ने जो जगह ली थी वो भाई ने बताया, मेरे को मस्जिद के लिए ली हुई थी, ठीक है, उन लोगों के लिए और कुर्बानी के लिए ली हुई थी, मतलब इसलिए जगह तो हमारी अपनी थी नहीं, लोगों के लिए थी, बच्चों के लिए थी ली हुई थी। लेकिन फिर भी उसने खुरम शहबाज खान ने पापा को धमकाया वगैरह कि ये जगह मेरी है, किसके पूछ के ली हुई है। बट क्या ये, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़मीन इंसान की जान या ज़मीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, तुमको मरना याद नहीं आता, जिन्हें पापा ने 18 गोलियां मार के शहीद कर दिया गया। क्या मुझे मुझे आप बेटा ये बताओ कि 4 माह होने वाले हैं, 4 माह होने वाले तो क्या आपके जो पापा के कातिल हैं पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है? नहीं किया, पुलिस कहती है 10 दिन में 12 दिन में टाइम दे, आगे एक्सटेंड कर दिया, आज पकड़ते कल पकड़ते, मतलब पुलिस भी साथ ही मिली हुई है, पुलिस की ही वजह से वो यहाँ से फरार होने की भी कोशिश कर रहा है कि पुलिस ये कह रहे कोई यहाँ निकल गया यहाँ निकल गया, लेकिन क्या मतलब है तो इधर ही है, लेकिन क्या तो पुलिस क्या कोई पुलिस के जो ऑफिसर है वो उसकी मदद कर रहे हैं? बिल्कुल, पुलिस के ऑफिसर ही मदद कर रहे हैं, जैसे 17 नवंबर को पापा ने दरखास्त दी थी तो उससे अब इसका यही नजर निकाला जाता है ना कि उस दिन जो उधर डीपीओ जो भी था उसने खुरम शहबाज को बताया कि आपके नाम पे दरखास्त दी हुई है कि हमें खतरा है, तो तभी उसके अगले दिन ही उसने मेरे पापा को 18। आप ये कह रहे हैं कि अगर पुलिस मेरठ पर तफ्तीश करती, जो आपके वालिद साहब ने एप्लीकेशन थाने में मूव की थी, अगर पुलिस उस दरखास्त पे अमल दरामद कराती तो ये वकूआ ना होता, बिल्कुल ना होता। तो आपकी अभी क्या अपील, क्या है, क्या होना अपील? ये कि देखिए ना, वो हमें डरा धमका रहे हैं, हमारी दुकान पे फायरिंग वगैरह कर रहे हैं, यही चाह रहे हैं कि वो केस हम पीछे हट जाए ना, ले हमें मतलब छोड़ दें, लेकिन क्या ये हम मतलब उनकी जान, हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द पकड़े जाए कि इंसान की जान से की कीमत क्या है, और ये हमें जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। ओके जी, बेटा क्या नाम है आपका? माइदा जमीन। जी बेटा आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पापा को बेरहमी से उन्होंने कत्ल कर दिया 18 गोलियां मार के, और पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है और अभी तक वो पकड़े नहीं गए, तो हमारी अपील गवर्नमेंट से है कि प्लीज़ हमें इंसाफ दिलाएं, क्योंकि अगर ये पकड़े ना गए पता नहीं कितने और घरों को ये जान दे। आपका कहने का मकसद ये है कि अगर खुदा ना खास्ता पुलिस इसे नहीं पकड़ती तो मजीद आपका कोई जानी या माली नुकसान है? जी हमें ये डरा धमका रहे हैं, ये हमें डरा धमका रहे हैं कि अगर ना किया तुम्हारे इसको कत्ल कर दिया जाएगा, भाइयों को बहनों को बहुत हमें खतरा, अभी तक हमें चाहिए कि गवर्नमेंट से इंसाफ दिलाएं। जी भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैदर अली है। जी हैदर, आप केस के मदई भी हैं? जी बिल्कुल, मैं मदई। और आप मकतूल के बेटे भी हैं? जी बिल्कुल। जी आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैं कहना चाहता हूँ कि खुरम शहबाज हाँ, वल्द शहबाज हाँ, फयाज भट्ट और एक असना मलूम ने मेरे वाले साहब को 18 फायर करके कत्ल किया, और ये जगह जो खरीदी गई थी मेरे वाले साहब ने 35 मरले मदरसे और मस्जिद के लिए। खुरम शहबाज हाँ एक बदनाम ज़माना लैंड माफिया मुनशियात फरोज असला फरोज और जुआ खाना चलाने वाला आदमी है, इसके ऊपर 100 से ज़्यादा FIR है, और इससे पहले इसके ऊपर 3 से 4 मुकदमे 302 के हैं जो कि इसने मर्डर किए हुए हैं, और ये पैसे के जोर पे और पैसे दे दिला के लोगों के ऊपर रोक दबदबा डाल के ये